हेलो एवरीवन मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गौसम गरिमा का स्पेशल प्रोग्राम जर्नलिस्ट अड्डा जहां पर आज हमारे साथ हैं विनीता अस्थाना मैम जो कि मेरी भी टीचर रही हैं जिन्होंने मुझे भी बहुत कुछ पढ़ाया है और आज मैं चाहती हूं कि उनकी कुछ नॉलेज आप लोगों को भी मिले इसलिए मैं उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने अपना टाइम निकाला और स्पेशली मेरे साथ मतलब इतना मेरे लिए किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दें हमारे सब्सक्राइबर्स आ, तो मेरा नाम विनीता है जैसा आपको गरिमा ऑलरेडी बता चुकी हैं करीब सत्रह साल से मैं मीडिया संस्थानों में टीचिंग का काम कर रही हूँ उसके अलावा फिलहाल अभी इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ आईआईटी दिल्ली में फिलहाल नियुक्त हूँ जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय जो फेलोशिप्स होती हैं उसके जरिए इंडिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इंडिया की जो एक रैंकिंग है हायर एजुकेशन में वो और बेहतर हो सके जहाँ पे हम लैक करते हैं उन चीजों को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल उसी प्रोजेक्ट में लगी हुई हूँ एंड आई होप ये सपना हमारा जल्दी पूरा होगा कि हम इंटरनेशनल मैप पर इंडिया को हायर एजुकेशन में स्थापित पाएंगे बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया का नाम बहुत आगे बढ़े और मैम आप जिस तरह से पहले हम लोगों को आपने पढ़ाया और अब आप एक बड़े स्तर पर और ज्यादा काम कर रही हैं तो सबसे पहले आपको भी उसके लिए शुभकामनाएं मैम आप अपने सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल है मेरे अपने मन में बहुत सारे सवाल हैं मैम जर्नलिज्म से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि मैंने भी जब जर्नलिज्म की पढ़ाई की तो आप आपको जब मैंने एज अ टीचर देखा था तो मुझे लगता है मैं ये चीज आज आपको कह रही हूँ शायद पहले नहीं कही मैंने आ, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे स्मार्ट लेडी इन एवरी सेंस मतलब इन एवरी थिंग मैंने देखी थी क्योंकि मैं इतने बड़े शहर से नहीं हूं जहां पर बहुत ज्यादा जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे हो हर एक क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ फिर चाहे वो पर्सनालिटी की बात हो या बाकी की चीजों में तो मैंने पहली वो महिला देखी थी जो मुझे सबसे ज्यादा स्मार्ट लगी थी तो वो सारी चीजें मुझे बहुत मुझ पर उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है तो सबसे पहले सवाल जर्नलिज्म से यही है कि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें और सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि वही चीज मन में आ गई है तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और अच्छा जर्नलिस्ट ताकि हम बन सके और फील्ड में हमारी रिस्पेक्ट और ज्यादा हो राइट right. तो मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगी जो मैंने शायद क्लास में भी आप लोगों से बहुत बार कही होगी और बच्चों से कहती हूँ जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो जो उसका आत्मविश्वास होता है क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है जब आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होती है आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं किस तरह से बात कर रहे हैं नॉलेज पे आप पूरे तौर से तैयार हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ है तो वो आत्मविश्वास अपने आप चेहरे पर दिखाई देता है और धीरे धीरे वही कम्युनिकेशन के साथ जब आप पढ़ते बहुत अच्छा है आप किताबें पढ़ते हैं आप अखबार पढ़ते हैं तो जो शब्द होते हैं उनका चयन आपका सही होता है लिखने में भी और बोलने में भी तो एक नॉलेज और दूसरी चीज जो शब्दों की आपकी पकड़ है वो अगर आपकी अच्छी है आपको पता है कि सही जगह पे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है तो पर्सनालिटी धीरे धीरे एक्सपोजर के साथ में ग्रूम हो जाती है आप खुद को देखिए गरिमा क्लास में जो गरिमा थी और जो अभी गरिमा है मुझे लगता है पांच छह साल हो गया इस बात को राइट छे साल पहले की गरिमा और अभी की गरिमा में जमीन आसमान का अंतर है जो ये एक्सपोजर होता है और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं इस फील्ड में अपने आप आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आते जाते हैं वक्त के साथ सीखते जाते हैं और वो चीज चीज आपके चेहरे में दिखाई देने लगती है है पर बहुत जरूरी ये है कि नॉलेज आप देखते हैं ना हर चीज का एक्सपर्ट टीवी पर बैठा हुआ है पता है या नहीं पता है पर बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं तो जब आप उन्हें सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि बातों में कितना खोखलापन है बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ और बड़े बड़े नाम है और मुझे लगता है कि क्यों बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पे जो उन्हें पता ही नहीं है मुझे लोग बुलाते हैं अगर अभी एक हमारे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे एंकर हैं तो उन्होंने बोला कि मैम किसान आंदोलन के ऊपर हम चाहते हैं कि आप लाइव बात कीजिए मैंने कहा बेटा जिस सब्जेक्ट पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं उसमें किस हैसियत से अपनी राय दू मैं एक आम आदमी के से अपनी राय दे सकती हूँ पर आप मुझे बोले एक्सपर्ट के तौर पर मैं बताऊँ बिल अच्छा कि किसान सही अब सारे तो किसान है नहीं यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो मुझे exactly. नहीं लगता कि चीजें ठीक है एक पर्टिकुलर रीजन के और एक ही स्टेट के किसानों के होने से मैं उसे सही नहीं मानती लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सपर्ट बताएंगे तो प्रेजेंटेशन हो या आपका जो बोलना हो वो सब चीजें आपकी नॉलेज से आता है आपको सब्जेक्ट पता है आप बोल पाइएगा कोई दिक्कत नहीं है बाकी ग्रुप वक्त के साथ होती जाती है बिल्कुल लेकिन मैम जो आपने बताया इसमें कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो नॉलेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो है तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी होगा आपकी पर्सनैलिटी भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा पावरफुल लगेगी मैम एक और सवाल है वो ये है कि बच्चे जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं क्योंकि आप एक टीचर है जर्नलिज्म की बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है तो उनके मन में ये सवाल होता है कि हम जर्नलिज्म में जा तो रहे हैं लेकिन आज के टाइम को देखते हुए अब हालांकि हम लोग जब गए थे तो सिर्फ और सिर्फ वो जज्बा था कि बहुत कुछ करना है देश में बदलाव लाना है ये करना है वो करना है लेकिन आजकल बच्चे भी स्मार्ट हो गए टीवी देखकर और बहुत सारी चीजें उनको पता चल चुकी हैं तो अब वो ये सोचते हैं कि यार जा तो रहे पर पता नहीं करियर हमारा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा या फिर हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो फ्रेशर्स है खासतौर तो पर फ्रेशर्स की बात कर ले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं जिस समय मैंने जर्नलिज्म छोड़ा था उसी समय से बात करते हैं कि थोड़ा स्तर जो जर्नलिज्म का है वो गिरना शुरू हो चुका था ठीक है तो जब मैं क्लास में जाती हूँ जब से मैंने एक्टिव जर्नलिज्म छोड़ा है और 2006 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो मैं बच्चों को पहले बोलती हूँ यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं यदि आप अपने आ, घर वालों के लिए वक्त चाहते हैं गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखना चाहते हैं माता के साथ रात का खाना खाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है और कम से कम आपको तीन से पांच साल देने पड़ेंगे स्ट्रगल करने के जिसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे बड़ा हाई पैकेज मिले तब तो आप कहीं पर पहुंच पाएंगे अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि तुरंत मुझे बेहतरीन सैलरी भी मिलने लगे और कुछ हो जाए तो वो आ, पी आर हो सकता है जर्नलिज्म तो नहीं हो सकता ठीक है क्रेडिट कार्ड बेच लीजिए वो आसान है और जर्नलिज्म करना थोड़ा सा मुश्किल है और अभी जो जर्नलिज्म जो की हालत है जैसा आप पूछ रही है नए बच्चों के लिए तो पक्षकार और पत्रकार दो अलग अलग चीजें होती हैं हमने पत्रकारिता को काफी पीछे छोड़ दिया है पक्षकारिता की तरफ है और पक्षकारिता में अगर आप नाम लें तो एक चीज कही जाती है गोदी मीडिया तो चाहे वो गोदी मीडिया हो चाहे वो ल्यूटेंस मीडिया हो दोनों ही पक्षकार हैं आप ये नहीं कह सकते कि एक दूध का धूला है और दूसरे पे काले पुती है नहीं जी दोनों हमाम में उतने ही नंगे हैं और पक्षकारिता चल रही है बहुत कम लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं बच्चे अच्छी चीज ये कर रहे हैं कि अभी वो केवल जो एक चैनल का एक क्या कहना चाहिए अपनी सोच होती है एक अपना पक्षा है उसी के हिसाब से बच्चे चलते है। होता है। हाँ हाँ। तो वो जो अलग के यूट्यूब में सोशल नेटवर्किंग में अपनी पहचान एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छी चीज है लेकिन ये किस हद तक आगे जाएगी ये भी नहीं पता क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का बबल भी काफी हद तक बर्स्ट हो चुका है आप कुछ पूछ रही थी जी हाँ मैम ये था क्योंकि आपने कहा कि हाँ ऐसा है गोदी मीडिया भी एग्जिस्ट करता है आपके जवाब में मुझे ये चीज मिल गई लेकिन है क्या कि जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं ये उनके लिए बहुत गलत है क्योंकि अगर हर कोई पैसा तो एक ठीक है पैसा हम आगे चल के कमा लेंगे आज नहीं जर्नलिज्म में हम पांच साल बाद कमा लेंगे ये चीज का हमारे अंदर एक चलो हमने इस चीज को ले लिया लेकिन उसके बाद भी ये ना कि हम अपने मन का कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं जितना मैंने भी चैनल्स में काम किया है मैंने भी यही देखा कि आप अपने मन का नहीं कर सकते आपकी कोई निजी राय नहीं होती तो जो पे इस इस फील्ड फील्ड जाना चाहते वो से पीछे हट रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं है मैं अप, कि तो आप इस फील्ड में मत आइए क्योंकि आपको कोई हक नहीं है भले आप एंकर है लेकिन टीवी पर आप वही बोलेंगे जो आपको आपके चैनल का बिल्कुल तो वो चीज कहीं ना कहीं नुकसानदायक नहीं हमारे देश के लिए क्योंकि नए जर्नलिस्ट अच्छे जर्नलिस्ट सामने नहीं आएंगे नए और अच्छे जिन लोगों को हमने अभी तक एक पेडिस्टल पे बिठा रखा था जिन्हें हम अभी तक अपना एक आइडियल मान रहे थे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोग अपने टाइम में राजदीप को बरखा को अपना आइडियल माना करते थे जब हम लोग पढ़ रहे थे हुँ. तो वो नए नए और तेज तरार पत्रकार थे वो लोग उस समय के और हम लोग उन्हें अपना आइडियल मानते थे लेकिन क्या वक्त के साथ लोगों के साथ काम करने पे उनके उनको देखने पे हमें पता चलता कि जो हम सोच रहे थे उससे चीजें बहुत अलग होती है तो आ, फिर जर्नलिज्म की बात यह है कि जर्नलिज्म ना आंदोलन करने के लिए नहीं है चीजें बदलने के लिए नहीं है आपने बोला निजी राय नहीं दे सकते निजी राय देनी भी नहीं है आपको सही चीज लोगों तक एज इट इज पहुंचानी है प्रॉब्लम यही है कि हम ओपिनियन दे रहे हैं जो एजेंडा है वो क्या है एक चैनल की न्यूज न्यूज वाली चीज नहीं है न्यूज नहीं है किसी भी हाल में नहीं है जर्नलिज्म में आपका काम है जो हो रहा है आंदोलन हो रहा है मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है तो उसका पक्ष क्या है उसका विपक्ष क्या है एज इट इज आपको लोगों को बताना है कोई चैनल बता दीजिए या तो कोई एकदम ही ही उसका पक्ष पक्ष दिखा रहा है या कोई उसका विपक्ष ही विपक्ष दिखा ही। रहा है कोई ये नहीं बता रहा कि ये सही है ये गलत है लोगों को अपने आप चुनना है तो पत्रकारिता तो हो ही नहीं रहे ना कोई या तो किसी के पक्ष में है या किसी के विपक्ष में है तो जब हमने पाले चुन रखे हैं तो पत्रकारिता तो है ही नहीं सबसे पहले पाले नहीं चुनने होते निजी राय मैं किसी को कितना भी नापसंद करूं पर उसके बारे में बुरा बोलने का हक हाँ मुझे नहीं है एज अ पत्रकार मेरा काम है मैं खबर दिखाऊं किसी चीज का अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है कोई ऐसी योजना है सरकार की जिसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है मैं सरकार के खिलाफ हूं उसके बावजूद अगर उसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो अच्छे को अच्छा बोलिए अच्छे को बुरा इसलिए मत बोलिए क्योंकि आपको वो सरकार या वो व्यक्ति नहीं पसंद है सिमिलर चीज होती है कि कुछ अगर आपको लगता है किसी का लॉन्ग टर्म खराब इफेक्ट आ रहा है देश के ऊपर देश की जनता के ऊपर तो वो भले आप कितना भी सरकार के मुरीद हों उसके बावजूद आपको बोलना है बुरे को बुरा वही नहीं हो पा रहा है वो बच्चे भी नहीं कर पा रहे क्योंकि समस्या ये है कि यूथ की भी ना एक एक सोच बन गई है है ओपिनियन या तो वो किसी के साथ है है या किसी के खिलाफ है। तो आप किसी के के खिलाफ तो तो आप आप साथ हैं भी निष्पक्ष नहीं हो सकते आप आप किसी के खिलाफ हैं तो भी निष्पक्ष नहीं, तो नहीं हो सकते क्योंकि फिर पूर्वाग्रह आपके अंदर रहेगा फॉर एग्जाम्पल राजदीप को आप देखिए बेहतरीन पत्रकार हैं पर उनका जो पूर्वाग्रह है व्यक्ति और पार्टी विशेष के खिलाफ वो खाम खाम उन्हें परेशानियों में डाल देता है जो नहीं होना चाहिए बेहतरीन पत्रकार रहे हैं वो अपने टाइम के इतने अच्छे पत्रकार हैं और हम लोग इतना उनको भी टू टू लुक अप तो हिम तो हम लोग को दुख होता है पर अब क्या किया जा सकता है पूर्वाग्रह भी बुरी चीज है जितना पक्ष करना बुरी चीज है उतना ही पूर्वाग्रह भी कि बस किसी तरह नीचे गिराना है नीचे गिरा बड़े आसान लोग खुद भी नीचे गिर रहे हैं बिल्कुल बड़े आसान शब्दों में आपने समझाया मुझे भी ये चीज समझ में आई क्योंकि मुझे भी लगता था निजी राय निजी राय नहीं रखनी चाहिए पत्रकारों को मैं इस बात से सहमत थी लेकिन वो जो आपने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज रखनी है मतलब कोई भी चैनल उठा लीजिए मुझे तो लगता है हर एक चैनल पर इसका इम्पैक्ट है और इसी पर बेस्ड है बेसिकली क्या इसी पर बेस्ड हो गए हैं क्योंकि डिबेट्स में में उनका ये ये। अपना एक एक फंडा है है हर चीज मैम लेकिन है क्या कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको उनके अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जो जर्नलिज्म की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनको क्या सोच कर आना चाहिए और क्या मतलब अभी से वो प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वो इस तरह के जो ये जो जाल है ना गोदी मीडिया का वो इसमें ना फंस सके तो पहले गोदी मीडिया हाँ गोदी मीडिया ना दोनों जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है कोई इस पार्टी की गोदी में बैठा है कोई उस पार्टी की गोदी में बैठा है तो गोदी exactly. मीडिया खाली एक एक तबके को मत कहिए गोदी मीडिया दोनों है वो जो दूसरे को गोदी मीडिया बुला रहे हैं ना वो भी किसी की गोदी में बैठा हुआ ही मीडिया है तो ये आपको अगर गोदी में नहीं आना है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि आप किसी फील्ड को छोड़ दें बदलाव हमेशा किए जा सकते हैं शुरुआत आपको करनी पड़ती है कहीं कही ना कहीं बच्चों की अच्छी बात यह है जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं उनकी सोच थोड़ी सी ना क्लियर है हम लोग को शायद उतना एक्सपोजर नहीं था उतना पता नहीं था सोशल नेटवर्किंग की वजह से इन एंड आउट पीछे की कहानियां हर कहानी के दोनों पहलू देखना बच्चों को पता है बस आंखें बंद करना बंद कर दीजिए आंखें खोल कर देखिए ये पक्ष भी और वो पक्ष भी और उसे रखना शुरू करिए आपको हर कोई हर वक्त नहीं रोक पाएगा कितने लोग रोकेंगे मठाधीश जो बैठे हैं मीडिया में वो कितने दिन के और दो साल पांच साल और वक्त बदलेगा बदल रहा है काफी बच्चे आपकी तरह आगे, आगे बढ़ रहे, रहे हैं भी वक्त आएगा। नए सिरे से चीजें कर रहे हैं नहीं नए सिरे से चीजें कर रहे हैं बहुत सारे अपने बच्चे देखती हूँ वैभव है बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं बहुत बेहतरीन और सटीक बात करते हैं तो बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं अपने जरिए से सेम श्योर की वो ये जो चीजें हैं आगे दो पांच साल में चेंज होंगी क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमें पीछे भी दिखाना है सिर्फ एक फैकैड को हटा के जो पीछे की सच्चाई है उसको भी दिखाना है तो चीजें बदल रही हैं बच्चों को बस हिम्मत नहीं हारनी है छोड़ नहीं देना है क्योंकि इस वजह से कि आप चैनल की जो स्ट्रैटेजी है एजेंडा है उसके साथ में इतफाक नहीं रखते इसलिए आप बार बार क्विट मत कीजिए बहाव के साथ बहना बहुत जरूरी नहीं होता कभी कभी उल्टा तैरना पड़ता है चीजों को चेंज करने के लिए वो हिम्मत रखनी पड़ेगी रखेंगे तो आगे बढ़ यानी अपने अंदर यानी अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिए और काम कीजिए हमेशा ये मत सोचिए हाँ। कि शल में अगर ऐसे काम होता है तो यहाँ पर हमें नहीं करना है काम करते रहिए मैम आप पढ़ाई की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है आपके सामने जब बच्चे आते होंगे तो उनके मन में ना बहुत अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है और मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग कहते हैं मैम क्या पत्रकार बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये जो कोर्स है पत्रकारिता कि ये जरूरी क्यों है देखिए एक टाइम में तो नहीं होता था हम लोगों से हाँ, पहले, पहले की बात करें। 20 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था लोगों को नॉलेज थी उन्होंने हिंदी में या इंग्लिश में मास्टर्स कर रखा था नॉलेज uh, उनकी बेहतरीन थी पढ़ने लिखने वाले लोग थे बहुत अच्छे पदों पे बैठे लोग मैं देखती हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता का कोर्स करना जरूरी होता है पर कुछ स्किल्स है जो अगर आप चाहे सर्टिफिकेट कोर्स में चाहे आज की तारीख में यूट्यूब पे मौजूद हैं, अगर आप उनको अपने अंदर ला सकते हैं उनको थोड़ा ब्रश अप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं पढ़ाई बेकार नहीं जाती और अगर आपको आपके इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है पत्रकारिता से रिलेटेड तो वो कर लेना आपके लिए बेहतर होगा वरना अगर आप एम इंग्लिश भी करते हैं एम हिंदी भी करते हैं या पॉलिटिकल साइंस भी करते हैं तो भी आप पत्रकारिता में आ सकते हैं पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाती है पर जब आप स्नातक या पर स्नातक कोई भी चीज पत्रकारिता में करते हैं और वहां पे आपको अच्छा सा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है तो ये जो कैमरा का डर है या किस तरह से बोलना है किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है आपकी वॉइस का मॉड्यूलेशन है या स्क्रिप्ट लिखना है फॉर एग्जांपल उन सब चीजों के लिए आपको नए सिरे से पत्रकारिता के संस्थान में पहुंचकर सीखना नहीं पड़ता क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास सिखाने का टाइम नहीं

और शुरू से आखिरी तक कहानी की तरह जो तुम्हें समझ में है वो लिखो फिर मैं बताता हूँ लिखे कैसे तो उस समय लोग और थे जो सिखाने में इंटरेस्टेड थे उनके पास वक्त था हम लोग को सीखने का मौका बहुत सारा ऑन यू नो जॉब मिला आप लोगों के टाइम में सीखे सिखाए लोग आते हैं तो बेहतर होता है कि आप सीख कर आए स्किल्स लेकर आए तो आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वक्त नहीं है संस्थानों के पास कि अब वो एक एक व्यक्ति पे वक्त लगाएं और सिखाएं मैंने हिंदी न्यूज चैनल में पहुंचकर हिंदी टाइपिंग सीखी है सोचिए आप आज ऐसा कर सकते हैं आप नहीं कर सकते बिल्कुल सबसे पहले आपको हिंदी टाइपिंग न्यूज चैनल में आपको जाना है तो सबसे पहले मैम इंटर्नशिप पे भी जब हम जाते हैं तो हमें पहले दो तीन दिन तो सिर्फ सिस्टम पर टाइपिंग के लिए ही बोल देते हैं कि आप ये टाइप करो वो टाइप करो तो हिंदी टाइपिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट <laughs> हो गई है आ, हम लोगों को आ, कंप्यूटर छूने को हाँ, नहीं मिलता था कंप्यूटर बड़ी चीज होती थी एक्सपेंसिव चीज होती थी ट्रेनिंग को छूने को नहीं मिलता था तो हम हाथ से रिपोर्ट लिखते थे बिल्कुल मैम तो ये मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को अपने आप को तैयार करके जाना है क्योंकि इतने सारे लोग हैं इतनी भीड़ है कि आपको उस भीड़ से अपने आप को अलग बनाना है इस वजह से आप वहां पर ताकि अच्छा प्रेजेंट कर सके रेडी होकर जाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मैम है क्या कि बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करते टाइम कुछ कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराते हैं या मैम आज के टाइम पे हम जर्नलिज्म की फीस कहते हैं तो फीस भी अच्छी खासी है कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते तो कुछ लोग ये बहुत बोलते हैं कि क्या मैं इस कॉलेज से ही जर्नलिज्म करूं तो मुझे जॉब मिलेगी मतलब उन्हें लगता है कि अगर इस कॉलेज से कर लिया इस इस मीडिया इंस्टीट्यूट के कॉलेज से कर लिया तो जॉब पक्की है उनके लिए क्या कहना है क्योंकि मीडिया इंस्टीट्यूट जॉब कितनी देते हैं

जाके पढ़िए अब बात आती है सीट होती है लिमिटेड पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। बेहतर होगा कि आप सरकारी संस्थान से पढ़ाई करें लेकिन आप कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप कर लीजिए तो जो आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्यादा पैसे देके जो एक्सपोजर एक्सपोजर मिलता मिलता है जिस मिलता है जिस किस्म का प्रैक्टिकल वो बहुत आराम से आप किसी भी छोटे चैनल में इंटर्नशिप कीजिए वो आपको आ, पैसा नहीं देंगे लेकिन सिखाएंगे बहुत ज्यादा तो जो चीज आप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते हैं वो आप किसी हुँ. भी छोटे न्यूज चैनल में सीख सकते हैं आप सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं आई भी पढ़ा चुकी हूँ जो बेस्ट मीडिया इंस्टीट्यूशन है पूरे देश का और मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा चुका हूँ और मैंने सब जगह की सच्चाइयाँ देखी है बच्चे एक जैसे होते हैं बच्चों में बहुत अंतर नहीं है चाहे वो लाखों में से चुने हुए साठ बच्चे होते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में आप देखते हैं कि वो जो डेढ़ सौ आए थे डेढ़ सौ डेढ़ सौ उन्होंने ले लिए किसी को निकाला ही नहीं <laughs> तो उस भी जो डेढ़ सौ होते हैं ना उसमें से चालीस पचास बड़े बेहतरीन बच्चे होते हैं वो रेशियो आपको हर जगह मिलता है टीचर को भी और आई एम श्योर बच्चों को भी आप मेहनत कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिएगा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप महंगे संस्थान में जाए आ, सरकारी कॉलेजेस में जाइए बेहतर बेल्कुल. है मैम मैं भी यही बताती हूँ कि आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए लेकिन डिग्री से भी कहीं ज्यादा डिग्री होनी चाहिए ये मैटर नहीं करता है कि कहा की डिग्री है सबसे ज्यादा कुछ अगर मैटर करता है तो वो ये है कि आपके पास टैलेंट कितना है आपके अंदर हुनर कितना है तो अपने हुनर पर ध्यान दीजिए डिग्री तो आपको किसी ना किसी कॉलेज से मिल ही जाएगी खैर अगले सवाल पर बढ़ते हैं मैम आप आपने भी मीडिया इंडस्ट्री है तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए कितनी सेफ है और फीमेल्स के लिए इस इंडस्ट्री में कितनी जगह है आप आपका पहले ये बताइए फीमेल के लिए कौन सी इंडस्ट्री सेफ है मैम मेरी अपनी अलग राय लेकिन आपने इस फील्ड में काम किया और आपको बेहतर पता होगा इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है देखिए काफी कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हैं और हर तरह के लोग हर जगह होते हैं स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहां पे सेफ नहीं है जो महिलाएं स्कूल में टीचरिंग कर रही हैं वो वहां पर सेफ नहीं है और जो मीडिया संस्थान में काम कर रहे हैं वो वहां पर सेफ नहीं है माहौल मोरोलेस सब जगह एक जैसा है वो कॉरपोरेट हो वो कॉल सेंटर हो वो मीडिया हाउस हो सब जगह मोरोलेस एक जैसा माहौल है तो महिलाओं के लिए आते हैं देर इज नो कंट्री देर इज नो वर्क जहाँ पे वुमेन सेफ हूँ इसी वजह से मैंने एक पूरी किताब लिख डाली जो सिर्फ इस चीज के ऊपर थी कि जो वर्किंग वुमेन है ना जो काम करने वाली औरत है वो चाहे स्कूल में काम कर रही है चाहे कॉर्पोरेट में कर रही है चाहे मीडिया हाउस में उसको जिस हे दृष्टि से देखा जाता है उसे जिस तरह से अवेलेबल माना जाता है वो मीडिया इंडस्ट्री में भी है वो सब जगह पर है तो माहौल कहीं भी सेफ नहीं है अच्छी बात यह है कि जो अभी नए लोग आ रहे हैं जो नया ब्लड आ रहा है वो बच्चे कम से कम इन चीजों को लेके सजग हैं वो अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए थोड़ा तत्पर हैं। तो माहौल अब पहले से बेहतर हुआ है एंड आई एम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा हमने भी काम किया है हमें लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो शायद कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइज या जो भी कह लें उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं तो वो भी कुछ हद तक अपना योगदान देते हैं तो कुछ है तो कि आप घर से बाहर अगर निकले हैं उन्हें दिए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है भी घर से बच्चे छोड़कर जा रही है तो बेहया औरत है चार आदमियों के बीच में जाकर काम कर रही है और कैसे भी कपड़े पहन के जा रही है तो फिर बच्चलन तो है ही है ठीक है और सिगरेट शराब अगर पीती <laughs> है तो फिर तो उसका कैरेक्टर कितना तो तो। खराब है वो आप समझ ही सकते हैं तो इस तरह हाँ। से इन नामों से हम महिलाएं है, प्रचलित हैं तो माहौल हर जगह से मैं आप स्कूल कॉलेज कॉरपोरेट कॉल सेंटर मीडिया हाउस सब जगह से में कुछ हद तक औरतों के ऊपर निर्भर करता है कुछ हद तक कि वो इस चीज में कितना लिप्त होती हैं उस धारा के साथ जैसे एजेंडा की धारा के साथ बहने के लिए पत्रकार कुछ मजबूर हैं और कुछ बेचारे अपनी ई के चक्कर में बह रहे हैं उसी तरीके से कुछ महिलाओं के साथ भी ये है कि चाहे प्रोग्रेस कह लीजिए चाहे जॉब में टिका रहना कह लीजिए कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइज कर लेते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं कितनी मजबूती से खड़े हुए हैं पैर तेजी से टिकाइए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ जबरदस्ती कर सके मीडिया हाउस में सबसे अच्छी बात ये कोई किसी के साथ ना जबरदस्ती नहीं करता है आपको लोग हिंट दे सकते हैं आपको लोग सामने से खुलकर बोल सकते हैं कि वो आपके साथ में इस किस्म का रिलेशनशिप चाहते हैं नहीं है तो आपको बरगला कर कम से कम ये तो कहेंगे कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है लेकिन कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यानी चाहते हाँ, हैं कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें अपने आप में देखना होता है कि हम किस तरह के लोगों के साथ कितना ज्यादा घुल मिल रहे हैं और अपने आप में आप पूरा विश्वास रखिए और आप अच्छे से बिहेव करिए तो मुझे भी ऐसा लगता है आप इंडस्ट्री में काम करने के बाद की लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन मैम जब मैं भी इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे भी ये लगता था और लगता क्या था क्योंकि कुछ देखा तो था नहीं सिर्फ सुना था और आ, समझा था थोड़ा बहुत इधर उधर से वो ये था कि लड़कियों के साथ ना बहुत गलत होता है इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि क्या मेरे मेरी बेटी इस फील्ड में आना चाहती है क्या उसके लिए सेफ है इंडस्ट्री तो मैम उनके कुछ लड़कियां भी मैम ऐसी होती है मैंने खुद फील्ड में काम किया जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए खटाक से तैयार हो जाती तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि भाई कॉम्प्रोमाइज करके आप क्या इस इंडस्ट्री में मैम क्योंकि आपका टैलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है टीवी पर सब कुछ दिखता है आप कॉम्प्रोमाइज करके <laughs> क्या कर पाओगे तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि भाई <laughs> आपके पास टैलेंट नहीं है ना तो आपको कोई टीवी पर एंकरिंग का मौका तक तो दे सकता है लेकिन आप प्रेजेंट तो करनी तो बेसिकली आपको ही है ना रिपोर्टिंग करोगे तो आप तो नहीं वो सकता आपको मौका कोई दे सकता है लेकिन आप उस जॉब में टिके रहे भी संभव नहीं है ये बिल्कुल, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो कुछ लोगों को शायद एक मौके की तलाश होती है और उन्हें लगता है अगर ये आ, करने से उन्हें मौका मिल रहा है तो वो करने को तैयार है अच्छा मैं इसमें भी ना दोष नहीं देना चाहती लड़कियों को आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहती हूँ देखिये जब मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट के तौर पे जो बच्चे मेरे पास में आते हैं हर जगह के बच्चे आते हैं पटना से बाराबंकी से लखनऊ से छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं लड़कियां आती हैं और जब यहाँ पर आती हैं तो पहला एक्सपोजर उनका जो होता है वो उनके टीचर्स के साथ में होता है पत्रकारिता में जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो चैनल छोड़ के आए हैं उसमें पुरुष भी शामिल हैं तो वो काफी हद तक बच्चों को वो एक्सपोजर दे चुके होते हैं हमारे जैसे लोग जहाँ पे वो चेतावनी के साथ में ये चीज को देते रहते ना कि बेटा ये करना है ये नहीं करना है इस चीज के खिलाफ खड़े रहना है सदा तैयार रहना है हिंट को समझना है और खुद डिसाइड करना है कि आप ये करना चाहते हो कि ये नहीं करना चाहते हो वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो शुरू से उन्हें कि बेटा इंटर्नशिप चाहिए तो ये करना पड़ेगा बेटा नौकरी चाहिए तो ये करना पड़ेगा तो वो कॉलेज से ये माहौल देखते हुए लड़कियां आ रही होती हैं और कई बार उन्हें लगता है कि ठीक है अगर दो बॉयफ्रेंड के बाद में एक प्रोड्यूसर भी सही क्या फर्क पड़ता है <laughs> तो वो उनकी पर्सनल <laughs> चॉइस है उस पे कॉमेंट करने पे हम लोग मतलब हम लोग कोई नहीं होते कि उसके ऊपर कॉमेंट करें हाँ। उनकी चॉइस के ऊपर कॉमेंट करें पर ठीक है अगर किसी को वो मौका मिलने से वो आगे बढ़ पाया उसमें टैलेंट था तो बहुत अच्छी बात है पर अगर किसी ने सिर्फ एक नौकरी और इंटर्नशिप के लालच में क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो अपनी मर्जी से कर रहे हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब आप कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज में करते हो छोटी सी चीज में भी करते हो तो वो शायद कहीं अंदर खाता रहता होगा मुझे लगता है ये जो बच्चे इतना स्मोक करते हैं इतनी ड्रिंकिंग करते हैं या इतना जल्दी इतनी छोटी उम्र में डिप्रेशन में आते हैं ये शायद इन्हीं कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है ये या और की एजेंडा है फॉर एग्जाम्पल कि उसे वो करना कि अपनी सोच को दबा के अपने जमीर को मार के अपने चैनल के हिसाब से चलना सेम ही चीज तो है सिमिलर चीज ही तो है बिल्कुल। तो वो डिप्रेशन में बच्चे उसे आते हैं चाहे वो लड़कियां हों और चाहे वो लड़के हों वो चलता है वो उनकी पर्सनल चॉइस है पर अच्छा होगा कि आप कम से कम कॉम्प्रोमाइज ना करें आपकी इच्छा है आपको कोई व्यक्ति पसंद है आप उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं यह आपकी चॉइस होनी चाहिए कोई हाँ, आपको मजबूर करे आपको डरा कर आपको धमका के कि, आपको किसी चीज का लालच देकर किसी उसमें लाए तो वो तो ट्रैप है और जब आप ट्रैप में जा रहे हो तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आप गिल्टी भी फील करते हो कहीं पर आप हारा हुआ भी महसूस करते हो और वो लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत पे आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर दिखाई भी देता है बिल्कुल मैम एक और शब्द है जो मीडिया में बहुत ज्यादा उछाला गया था कुछ महीनों पहले ने, ने, नेपोटिज्म ये हालांकि किसी और <laughs> फील्ड के लिए उठाया गया था लेकिन मैं जब इस फील्ड में गई तो मैंने भी देखा कि हाँ ऐसा है क्या लगता है आपको क्या क्या मीडिया इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है और जातिवाद तो भी बोलते मैं, मैं, मैं ये वर्ड भी लेके चलूंगी क्योंकि मैं मैं मैंने मैंने फायदा जरूर उठाया मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने किया है इस उसमें लेकिन अब मैं क्या करूं कोई मुझे जस्ट बिकॉज मैं ब्राह्मण हूं कोई मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है विदाउट मेरे मेरी ओर से कोई फेवर लिए तो फिर मैं क्या करूं मतलब मुझे प्रॉफिट मिला है इस चीज के लिए मैं कहूंगी यहाँ पर खुल के मुझे कोई वो नहीं है लेकिन क्या ये है आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ये चीजें हैं फिर वही चीजें कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है पर हम यहाँ पे इसे नेपोटिज्म <laughs> नहीं बोलते हम इसे हाँ. नेपोटिज्म नहीं बोलते गरिमा हम इसे यहाँ पे मठाधीशी बोलते हैं

चैनल हेड एक, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो अपने साथ पूरी टीम लेके चला जाता है एक दो लोग नहीं ले जाता वो वो अपने साथ पूरे ले जाता है और जिस नए चैनल में पहुंचता है वहां के सारे लोग वो नए हटा के अपने हटा के, पहले से काम बरुकर. कर रहे थे और अपने लोगों को रख लेता है तो ये क्या है हम फिल्म के लिए तो बोल देते हैं कि नेपोटिज्म है हाउस में मीडिया हाउस में क्या है तो वहां पे भी ये मठाधीशी है कि जहां जहां पे महंत लोग जाते हैं उनके जितने ये चरण चाटुकार चरण वंदन वाले लोग हैं वो साथ साथ में चले जाते हैं कि बॉस जाएंगे हम वही काम करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है जातिवाद और क्षेत्रवाद के साथ साथ में जो राजनीतिक सोच है वो इसमें ज्यादा बड़ा मुझे लगता है एक भूमिका निभाती है कि आप कौन हुँ. से चैनल में किसके साथ में कितना ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे आपको एनडीटीवी में काम करना है आपको पता है कि आपको क्या करना है कहा किसको गाली देनी है और आपको पता है कि अगर आपको जी में काम करना है तो किसकी चरण वंदना करनी है तो आपको दोनों अगर <laughs> पता है 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 तो आपने अपना पक्ष चुन रखा है, आप पक्षकार पक्षकार बनने बनने के लिए बनने के लिए लिए एकदम तैयार तैयार बिल्कुल मैम अगला सवाल ये है कि आप भी बहुत अच्छा लिखती है आपने फिलहाल रिसेंटली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दू की मैम की बुक अमेजन पर आ चुकी है बेहया और बहुत अच्छी मैम ने अभी थोड़ा सा लिंक भी दे दिया है लेकिन मैम मैं आपको बता दूं जब तक वीडियो पब्लिक होगा

चाहे वो एडवर्टाइजिंग है चाहे वो जर्नलिज्म है चाहे वो आप फिल्मों में है जहां पर भी है सबकी बैकबोन जो है वो राइटिंग है अगर आप लिख नहीं पाइएगा तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता और लिखने में अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है और आप अच्छी भाषा अच्छी भाषा का मतलब ये नहीं है कि परिमार्जित और क्लिष्ट है हिंदी ना बोलचाल की भाषा में अच्छे शब्दों में सरल शब्दों में अपनी बात को सामने वाले को समझा सकते हैं बिना किसी पूर्वग्रह के तो आप अच्छा लिख सकते हैं बहुत सिंपल बोलना होता है और बहुत सिंपल लिखना होता है बड़े बड़े शब्दों को घुसाने की जरूरत नहीं है फ्रेजेस को बेवजह मुहावरों को डालने की जरूरत नहीं है छोटे सेंटेंस लिखिए सिंपल सेंटेंस लिखिए एक्टिव वॉइस में लिखिए और खुद पढ़ के देखिए कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके घर में जो काम करने के लिए झाड़ू पोछा करने के लिए व्यक्ति आया है वो उस बात को बहुत सरल भाषा में समझ पा रहा है क्या अगर वो समझ पा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हर कोई समझ पाएगा तो लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए एक फ्लो ए से जेड तक जब आप बात बता रहे हैं तो वो कंफ्यूजिंग ना हो तो उसमें कोई बैरियर्स नहीं हो बहुत किंतु परंतु यदा कदा नहीं करना है सीधी बात करिए सिंपल शब्दों में करिए और उसका एक फ्लो होना चाहिए कि आप ए से जेड तक बात को बढ़ा रहे हैं आप कभी यहां बताएंगे कभी वहां बताएंगे तो फिर आप सुरजेवाला जी की तरह हो जाएंगे कहना क्या चाह रहे हैं समझ कोई नहीं पाएगा कहेंगे बहुत कुछ वो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए सीधी बात लोगों की समझ में आनी चाहिए बिल्कुल मैम टीआरपी स्कैम और अभी फिलहाल जो अर्नब जी की चैट लीक हुई इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप सिर्फ अर्नब की हुई है बाकियों की भी करा दो इससे ज्यादा मसाला मिलेगा <laughs> oh God, ये तो सिर्फ एक की हुई है क्योंकि इसलिए आप इतना नाच रहे हैं अगर इसी में आप मान लीजिए दूसरे जो चैनल्स हैं उनके ओनर्स की हो जाए तो क्या नहीं पता चलेगा यही बातें हम लोग बिल्कुल काम कर चुके हैं जो इंडस्ट्री में है वो सब जानते हैं क्या है एग्जैक्टली exactly. तो अभी दूसरे को बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन अगर अभी आप किसी की भी चैट लीक करा लीजिए और आई एम श्योर लोग लगे हुए होंगे कि अगर इनकी तो मुंबई पुलिस ने करी क्योंकि मुंबई पुलिस हाथ पैर धो के अर्नब के पीछे पड़ी है और ठीक भी है एक व्यक्ति से शुरू तो हुआ एक व्यक्ति से ये काम शुरू तो हुआ अगला नंबर शायद राजदीप का है उसके बाद किसी और का आएगा बारी बारी सब इसमें जरूर से आएंगे क्योंकि आप लोगों ने इधर उधर तो किया ही है इन्होंने जो आज की तारीख में जो हम काला जर्नलिज्म देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं जर्नलिज्म पत्रकारिता की जगह पक्षकारिता है उसके जनक तो यही सब लोग है ना इन्हो इन्हों तो 20 साल पहले ये सब चीजें शुरू करी हैं जो आज इस स्टेज तक पहुंच गई हैं तो अः अर्नब के चैट पे मेरा ये कहना है कि आप रुने राय की करा लीजिए आपको ज्यादा लगे आप आज तक में अरुण पुरी जी की करा लीजिए या और जो दूसरे व्यक्ति वहां चैनल हेड है हैं लोग उनकी करा लीजिए आपको सेम और सिमिलर चीजें सब में मिलेंगी सब कोई टीआरपी के लिए क्या करता है न्यूज रूम के अंदर आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ बिल्कुल बेचने के ऊपर जब आप तुले होते हैं तो अर्नब का एक नाम है क्योंकि उनकी चैट आ गई है बाकी लोगों की आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि क्या है तो बुरा है लेकिन ठीक है कभी कभी इतना फैलना जरूरी होता है जब आपका सब कुछ बहुत उलझ जाता है ना तो आप उसको फिर सब गिरा के नए सिरे से लगाते हैं तो ये अच्छी चीज है कि भारतीय मीडिया में ये शुरू हो गया है कि एक व्यक्ति की धर पकड़ से शायद और भी धीरे धीरे लोग जो नकाब हैं वो उतरेंगे

दोनों देखो दोनों को देखोगे तो आपको रिपोर्ट्स में अंतर पता चलेगा आपको पता चलेगा कि वो दिखा क्या रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारा पढ़ो केवल जिन लोगों को आप फॉलो आप किन लोगों को फॉलो करते हैं आप ट्विटर पे उन्हें फॉलो करते हैं जिन लोगों की राय से आप इतफाक रखते हैं या जिन्हें आप आप पसंद हुँ. करते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो मत कीजिए जिन्हें बहुत नापसंद करते हैं उन्हें भी फॉलो करिए कृपया कर दोनों तरफ की बातों को समझने की कोशिश करें कि आपको जो एंगल्स दिखाए जा रहे हैं ना जिस दृष्टिकोण से जो चीज दिखाई जा रही है आप सिर्फ उसे मत देखिए उसके पीछे से भी देखिए दूसरे का दृष्टिकोण भी समझिए तो शायद आप एक बाइसलेस पत्रकारिता को समझ पाएंगे और आगे चल के उसे कर पाएंगे जब लिखिए तो केवल इन्फॉर्म करने के लिहाज से लिखिए उसे अपने रंग में अपने दृष्टिकोण के रंग में रंगने का प्रयास मत कीजिए तो शायद देश में जो पत्रकारिता है वो आगे चल के थोड़ी बहुत ठीक हो जाए अभी तो हालात तो तो काफी तो नासाज हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स को इतनी सारी नॉलेज दी बहुत सारी चीजें मुझे भी नई सीखने को मिली आज बहुत वक्त के बाद क्योंकि सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम मैंने आपसे ही सीखा ये सारी चीजें तो आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और हम हमें लगता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको उनको भी बहुत सारी नॉलेज आज के इस एपिसोड से मिलने वाली है तो जर्नलिस्ट अड्डा आप लोग देखते रहिए और अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही बॉसिफिफिफिनकरी में आप लोग देखते रहिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए